Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज की बहुत बड़ी न्यूज़ है कि डिस्काउंटेड रशिया क्रूड गिव्स इंडिया रुपीज 35,000 करोड़ गेन। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और हम ये भी देखेंगे कि विंडफॉल टैक्सेस क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये आने वाले एग्जाम्स में हमें जरूर दिखेगा ये क्वेश्चन, तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो टॉप न्यूज फॉर टुडे सेज कि इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव गेन्ड रुपीज 35,000 करोड़ बाय इंपोर्टिंग रशियन क्रूड एट डिस्काउंट एज वेल एज लिवाइंग विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड इन द वेक ऑफ अ अर्ज इन प्राइसेस सिंस द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बिगन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूज में चारों तरफ केवल यही न्यूज चल रही है फिलहाल, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने क्या कहा है। ही सेड फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज डिफेंडिंग इंपोर्टिंग रशियन ऑयल आर्ग्यूइंग इट इज द बेस्ट डील फॉर इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि काफी सारे देश इंडिया के इस कदम के लिए उनको बोल रहे कि गलत कदम है, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज का सपोर्ट करते हुए डिफेंड करते हुए ये चीज कहा है कि ये बेस्ट डील है फॉर इंडिया। अर्लियर ही सेड जस्ट लाइक यूरोप इंडिया एंड अदर शुड हैव द फ्रीडम टू इंश्योर द इंपैक्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज इज नॉट ट्रॉमेटिक। एंड अब हमें ये पता लगा है कि रशियन ऑयल जो है नाउ अकाउंट फॉर 12% इंडिया टोटल ऑयल परचेज अगेंस्ट लेस देन 1% बिफोर द वॉर। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए। अब हमारा मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है कि व्हाट इज अ विंडफॉल टैक्स। ठीक है कि ये नया कॉन्सेप्ट, ये इतना नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी पुराना है, लेकिन अभी सुनने को आ रहा है क्योंकि ऐसी सिचुएशन अभी इमर्ज हो गई है। सो व्हाट इज अ विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्सेस आर डिजाइन टू टैक्स द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल समटाइम्स अनप्रेसिडेंट इवेंट। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे टैक्स है जो कि लगाए जाते हैं ऐसे प्रॉफिट्स के ऊपर जो कि ऐसी चीजों पे हो जाते हैं जो कि अनप्रेसिडेंट है, जो कि प्लान्ड नहीं है, अचानक से कोई प्रॉफिट हो जाए, जैसे कि एनर्जी प्राइस राइज एज अ रिजल्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये आखिरकार विंडफॉल प्रॉफिट क्या होता है या फिर क्या क्या रीजंस होते हैं इस विंडफॉल प्रॉफिट के, आप देख सकते हैं। इसके कॉजेज है इंडिविजुअल विनिंग लॉटरी, अचानक से कोई लॉटरी जीत जाए तो उस वो जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स लगाना जरूरी है। सप्लाई डिमांड प्रॉब्लम, कभी कभी डिमांड अचानक से ज्यादा हो जाए तब भी प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, चेंजेस इन प्राइसेस, डिसीजंस बाय मैनेजमेंट, सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ विंडफॉल प्रॉफिट। आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से लगाया कि सपोज कीजिए कोई एक ह्यूरिकेन आ गया है जिसके कारण देयर इज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सो आप देख सकते हैं कि वाटर $50 का हो चुका है। ठीक है, और उसके लिए क्यू लगी हुई है, तो सप्लायर रेजेस प्राइजेस एंड मेक्स अ फॉर्च्यून। आप देख सकते हैं कि यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि इनको हम अब नॉर्मल अनडिजर्व्ड एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया अ विंडफॉल टैक्स इज अ हायर टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ सडन विंडफॉल गेन टू अ पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री, ऑफन अ रिजल्ट ऑफ अ जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, वॉर और नेचुरल डिजास्टर्स दैट क्रिएट अनयूजुअल स्पाइक्स इन डिमांड एंड और इंटरप्शंस टू सप्लाई। सो जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने ये चीज क्लियर कर दी है आपको कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। ये ऐसा टैक्स होता है जो कि हम लगाते हैं उन प्रॉफिट्स के ऊपर जो सडन हो जाते हैं हमारे, है ना, सडन गेन जो हो जाती है किसी कंपनी को या किसी इंडस्ट्री को। और ये किसके कारण होते हैं, कोई जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाए या वॉर या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए। अब इसके लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन मैं आपके लिए दो एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ मंगोलिया का, कि मंगोलिया इंप्लीमेंटेड इन 2006 टैक्सेशन ऑन द प्रॉफिट मेड बाय माइनिंग कंपनीज ऑपरेटिंग इन मंगोलिया।
टैक्स ऑन अनस्मेल्टेड कॉपर एंड गोल्ड कंसंट्रेट प्रोड्यूस इन मंगोलिया. इट वॉज द हाइएस्ट विंडफॉल टैक्स इन द वर्ल्ड. द टैक्स वॉज रिपेल्ड इन 2009 एंड फेज आउट ओवर 2 ईयर्स. ठीक है कि ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि अगर आप अगर कोई अचानक से टैक्स प्रॉफिट हो जाता है तो उसके ऊपर लगाया जाता है हमारे पास. एक और टर्की के अंदर हम देख सकते हैं कि इन 2022 अ विंडफॉल टैक्स वाज लेविड ऑन विंड पावर इन टर्की. सो दिस ये करंट है हमारे पास. ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये कि अब क्यों लगा रही है. वैसे तो बहुत क्लियर है, ऑब्वियस है इसके रीजंस, बट यहां पर क्या हुआ है कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 फर्दर एम्प्लीफाइड बाय द रशियन वॉर. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन. नाउ द लेवी केम एज रिफाइनर्स मेड मेजर गेन्स बाय बूस्टिंग फ्यूल एक्सपोर्ट टू कंट्रीज दैट वर इन अ डेफिसिट लाइक यूरोप which has now boycotted oil imports from Russia. The UN chief urged all government to tax these excessive profits and the use of funds to support the most vulnerable people through these difficult times. अब ये जो profit हो रहा है इसके ऊपर UN ने भी कहा है कि आप इसके ऊपर tax लगाओ ताकि आप इससे आने वाला पैसा सरकार जो है किसी जरूरतमंद section of the society के ऊपर invest कर सके. सो ये हमारे पास मैं आपके लिए दोनों ही लिख के लेके आई हूँ कि विंडफॉल टैक्सेस के आखिरकार बेनिफिट क्या है और कुछ ना कुछ अगर हम देखें तो नुकसान भी होता होगा, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेनिफिट्स क्या है. इससे बूस्ट होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ये प्रोवाइड करता है पब्लिक सर्विसेज एंड अदर बेनिफिट्स टू द सिटीजन्स. विंडफॉल गेन्स कैन रीपे इंटरेस्ट बियरिंग कंज्यूमर्स. ठीक है, एंड द इन्वेस्ट द विंडफॉल प्रोसीड्स इन गोल्ड डिपॉजिट्स, राइट. ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है ऑफ विंडफॉल टैक्सेस. लेकिन इसके कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऑब्जेक्शंस या डिसएडवांटेजेस होते होंगे. तो मुझे दो मिले हैं, दो पॉइंट्स ऐसे मैंने मिले हैं मुझे कि फर्स्ट है द विंडफॉल टैक्सेस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. ये क्या करता है, ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, टैक्स लग गया है ना क्योंकि, एंड हैव लेफ्ट टू इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस बाय रिमूविंग दिस स्टेडी सोर्स ऑफ फाइनेंस. द गवर्नमेंट में रिड्यूस द अमाउंट दैट कंपनीज इन्वेस्ट. सेकेंड, विंडफॉल टैक्सेस क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द टैक्स सिस्टम. कंपनी में राइटली बी सस्पिशियस दैट द टैक्स विल बी रिपीटेड इन फ्यूचर दैट मे डिस्करेज फ्रॉम कैपिटल स्पेंडिंग. अब क्या होता है कि कंपनियों को ऑलरेडी पता होता है कि अब गवर्नमेंट ऐसा कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगा देगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को डिस्करेज कर लेंगे ऐसी कोई भी कैपिटल स्पेंडिंग करने के लिए. दिस कुड इन टर्न स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ब्रिंग्स द रिस्क ऑफ द गवर्नमेंट दैट मोर इंटेंशनली एस्टैब्लिश फर्म्स टेक देयर बिजनेस एल्सवेयर. तो अगर ऐसी को जैसे अगर हम लोग यहां पर ऐसा लगाते हैं तो कोई कंपनी यहां पर आने से पहले सोचेगी. ठीक है, This is also concerned that retrospective windfall taxes are unfair. That is, the company should be told in advance what the tax rulers are, so they can decide how to behave rather than having legitimately earned profit taken away. So that is it for today, guys. I hope this video was helpful to you to clear your concept about windfall taxes, windfall profits. और ये बहुत ही करंट इशू है, इसके ऊपर एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा. ऐसे ही करंट वीडियोस में लेके आऊंगी. बट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज कॉमर्स ट्यूटोपीडिया. थैंक यू.